चलिए बेटा, अपनी सीरीज के अंदर आप देखते हैं कि भाई यूजिंग कैसे करते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। अब यूजिंग समझना है आपने कि किस तरीके से इनवर्स को फाइंड करते हैं। बाकी चीज़ों में आपने अभी देखा, इसका एक प्रिंसिपल आप आपने समझना है कि इसमें क्या प्रिंसिपल होता है। देखिए ध्यान से, इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ क्या है कि जब कभी भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करते वक्त आपके दिमाग में दो चीज़ आएगी कि भाई आपने किस तरीके से फाइंड करना है। पहला, क्या मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में लगाना है या मुझे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो पहले अपन लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, तो आपने एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपने ए इक्वल टू आई ए लिखना है, ठीक है बच्चे। अगर आपने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, तो आपने यहाँ पर ए इक्वल टू ए आई लिखना है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक वैलिड मैट्रिक्स होती है कि किस तरीके से आपने किस में कैसे चेंजेस करना होता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस करते हुए, इसको चेंज करते हुए आप इसको आई बना लेंगे, ठीक है बच्चे। और इसी तरीके से इसमें चेंज करते हुए इसको आप एक अनदर मैट्रिक्स बना लेंगे, मान के चलते हैं वो मैट्रिक्स बन गई बी। और ये मैट्रिक्स आपकी डिक्टो की डिक्टो यूं ही रहेगी, ऐसे की ऐसी। तो चेंज जो आएगा आपका रो एलिमेंट्री में, तो आपने इसके अंदर चेंजेस करके इसको यहाँ लेके आना है, समझ रहे हैं बात को। फिर आपका जो ए इनवर्स होगा वो आपके बी के ऊपर आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार बेटा यहाँ समझने की कोशिश करनी है कि आपने इसको चेंज करना है, कॉलम लगाते हुए इसको आई में कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ पर इसको चेंज करते हुए इसको एक अनदर मैट्रिक्स बना लेनी है। ये मैट्रिक्स आपका बी बन जाएगा, और ये मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे ही रहेगी जो मल्टीपल में, और यहाँ आपका आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू बी। ये बेटा प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं ये आपने ध्यान रखना है कि आपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर इस तरीके से डिसाइड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कॉलम के अंदर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आपके पास एक वे आता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने एक क्वेश्चन लेना है, उससे पहले एक चीज समझिए आपको। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको मैंने बताया कि वो जो रूल है आपके, वो रूल तो आपके काम ही करेंगे, जो आपने मेरी पीछे स्लाइड्स में देख लिया है। R1 को R2 के अंदर आप इंटरचेंज कर सकते हो फर्स्ट, और सेकंड क्या था, R2 को, या किसी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सही है जी। और थर्ड क्या था कि भाई आपने इस तरीके से कोई भी चीज आपने इसको एड अप कर लेनी है, बात समझ रहे हैं। ये तीन तो रूल लगेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2x2 फॉर्म में है, A11, A12, A21 और A22, तो हम लोगों ने किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। बेटे कन्वर्ट करते वक्त आपने फर्स्ट नंबर, आपने इस नंबर को आपने 1 बनाना है, देन आप यहाँ चलेंगे नीचे और इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको फिर 1 बनाएंगे, देन फिर आप इसको 0 बनाएंगे। मैट्रिक्स आप किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड्स बना सकते हैं, बट ये वाला मेथड्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक इजी वे रहेगा किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। ये मैंने आपको 2x2 की फॉर्म में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। देखो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है आपके सामने ए इक्वल टू 2-6, 1-2। बहुत ध्यान से समझिएगा।
अब आपने जैसे पहले डिसाइड करा कि भाई हम इसके अंदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन डिसाइड करने के बाद आपको लिखना होगा ए इक्वल टू आई ए। नाउ आपने इसमें चेंज करना है और आई में चेंज करना है, तो ए तो आपके पास है 2 -6 1 -2, ठीक है बच्चे, और जो आई है आपका वो है 1 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आपने अपने रूल्स को यूज करते हुए इसको चेंज करने की कोशिश करनी है। जैसे आपके पास अभी जो नंबर है उसके अंदर आपने इसमें चेंजेस करना है। जैसे हमारे पास ये नंबर है 2, अब इस 2 को हम क्या बनाना चाहेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 बनाने के लिए हम कर सकते हैं कि R1 के अंदर चेंज करें R1 -R2। तो हम जैसे ही इसके अंदर चेंज करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1 -4 और 1 -2, ये चीज आ गई आपके अंदर पास। इसी प्रकार यहाँ पर भी चेंज करने पर यहाँ ये जो चेंज होगा R1 के अंदर चेंज आएगा, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1 -1 0 एंड 1। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से आपके पास ये नंबर चेंज होके 1 आ गया। अब आपका जो सेकंड डिजिट रहेगी कि आपने इस हिसाब से इसको क्या बनाना है मेरे बच्चे, 0 बनाना, तो इसको 0 बनाने के लिए आपके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई फिर यूज करना पड़ेगा। नाउ आपने क्या करा कि एक चीज और बनाई कि भाई हम क्या करना चाहते हैं कि R2 के अंदर 0 लाना चाहते हैं, तो R2 -R1, तो यहाँ आपके पास इसको 0 लाने के लिए ये सीरीज रहेगी। तो आपके पास यहाँ 1 तो आपका यही रहेगा, लेकिन ये जो 0 बन जाएगी तो ये चीज आपके यहाँ चेंज हो जाएगी, तो चेंज होके क्या बन जाएगा बेटा, 0 और -2। इसी प्रकार से ये जो चेंज होके -2 था ये +2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसी तरीके से ये चेंज होके आपके पास आ जाएगा 1 -1, फिर R2 के अंदर चेंज आएगा, देयर इज -2 और -1 और 2, ये आपके पास यहाँ पर चेंज आ गया, ये भी चीज चेंज आ गई। अब आप बड़ ध्यान समझिए कि यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। अब इस वाले नंबर को आपने क्या करना है, 1 बनाना है। मेथड बहुत सारे हैं लेकिन जो सर ने सीरीज सिखाई है उस तरीके से, तो इसको 1 बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि हम R2 के अंदर चेंज चाहते हैं, तो हम R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो भैया आपका जो 1 सीरीज है R1 है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज होके आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे आप मेरे बच्चे यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो ये जो आपका 1 है ये तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आपके पास यहाँ चेंज आके -1/2 और 1 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसी तरीके से अब आपके पास ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब आपने इसको 0 बनाना है जिससे ये पूरी की पूरी आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करा कि भैया इसको 0 बनाने के लिए R1 के अंदर आप चेंज चाहते हैं, तो R1 + 4R2 कर देते हैं आप। तो जैसे ही 4R2 करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, चेंज आके ये 1 0 0 और 1 बन गया बच्चे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज आ गया, और वो जो चेंज आया है वो आपका क्या बन गया, -1 3 -1 और 3, ये आपका क्या बना, यहाँ पर ये -1/2 और ये 1 बन गया, आपके पास ये चीज आ गई। नाउ ये चीज आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ आपके पास अब ये जो चीज है ये आपका आई बन चुका है और ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब आप लिख सकते हैं कि नाउ ए इनवर्स इक्वल टू, तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है जो आपने ये ऊपर फाइंड आउट करी है। तो इसी तरीके से आप ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं इस तरीके के मेथड से। अब मैं आपको नेक्स्ट में आपको 3/3 की यूज करने समझा